तस्वीरों के विच तुसी एक हलवाई लग्या होया वेख रहे हो, एक घर दे विच ए विआह वाला माहौल जिहड़ा बनया होया, हलवाई लगे होया, मिठाइया जिहड़ियां तैयार हो रही ने, वनसबंधियां जिहड़ियां मिठाइया ने वह तैयार कीतियां जा रही ने। यह मिठाइया किसी विआह समागम के लिए तैयार नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली के चल रहे किसानी मोर्चे के लिए यह मिठाइया जिहड़ियां तैयार हो रही ने। और केवल मिठाइया ही नहीं, इस तो अलावा मिठे पानी की छबील और होर भी थोड़ा चीज़ा दिखाते हैं, जड़िया जड़िया चीज़ा विसाखी मौके दिल्ली मोर्चे के पंजाब तो जड़िया जा रही ने। रोपड़ दी तस्वीर ने, रोपड़ के शेरे पंजाब स्पोर्ट्स क्लब वालों उपराला लगातार किया जा रहा दिल्ली मोर्चे के लिए। तुसी आ थान दे सकते हो, यह केसरी रंग दियां पग्गां दे थान ने, यह सारिया केसरी रंग दी जिहड़ियां पग्गां ने यह दिल्ली मोर्चे दे विच विसाखी वाले दिन जिहड़े किसान उत्थे मोर्चे दे उत्ते डटे होए ने उन्हां दी दिल्ली लैके जा रहे हैं। मैं गल कर लैना शेरे पंजाब स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान ने अमरजीत सिंह भुल्लर। भुल्लर साहब, ऐतकी नवेकला उपराला किया विसाखी का पंजाब दे विच भी सारे देश दे विच भी वड्डे पद्धर ते मनाई जाती है, पर ऐतकी दिल्ली मोर्चे दे उत्ते विसाखी मनाउण दा जहन दिमाग दे विच किस तरह आया, भी जहन दे विच किस तरह आया भी इस तरह की तैयारी की जाए? क्योंकि साढ़े दसम पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जात पात का जिहड़ा भेदभाव मिटा के विसाखी वाले दिन एक पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की। साडा यह पंथ का जन्म दिहाड़ा है और जिहड़े साढ़े दिल्ली मोर्चे के किसान बैठे ने वह भी जात पात भेदभाव मिटा के एक परिवार की तरह उत्थे बैठे ने। वह विसाखी का जिहड़ा संदेश है गुरु साहिबान का वह इन बिन लागू हो रहा। इस तहत असीं यह उपराला किया कि इस बारी जिहड़ी विसाखी आ वह गुरु साहिबान के दरसाए मार्ग से चलते हुए जिहड़ा सिंधु बार्डर उत्थे असीं जाके मनावांगे। बिल्कुल, अच्छा की लगता भी हर बार तुसीं दुध लैके जाते हो या सब्जियां लैके जाते हो, पर इस बार यह जिहड़ियां कि-कि-कि-कि चीज़ां जिहड़ियां दिल्ली बार्डर के उत्ते लैके जा रहे हो विसाखी के मौके खास? इस बार साढ़े कोल जिद्दां भाजी असीं यह लड्डू तैयार किए ने, 7 क्विंटल के करीब लड्डू लैके जावांगे। उस तो बिना छबील है दुध की, उसके दुध है इतने स्कैश पा के वगैरह मिठा पानी ठंडा लैके इतों ही तैयार करके, उस तो अलावा दस्तारा ने चुनिया ने, तो उस तो बाद साडा जिहड़ा काफला है वह भी 60-70 बंदे करीब जिहड़े इतों जाणगे साढ़े उत्थे अपने जिहड़ा खालसे का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा है उन्हों मनाउणगे। इस उहदे खालसे के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित सारे लंगर ने साडे। अच्छा, लंगर तो सेवावां वड्डे पद्धर उत्ते चल रही ने, पर ऐतकी खास यह है भी थोड़े च भी जिहड़ियां तुसीं केसरी रंग दियां पग्गां और जिहड़ियां चुन्नियां जिहड़ियां महिलावां लई उत्थे लैके जा रहे हो, वह की सुनेहा तुसीं इहदे ज़रिए देना चाहुंदे हो? असीं खालसे का रंग है, इस रंग नूं असीं उत्थे सुनेहा देण जा रहे हाँ। तो जिहड़ा खालसा है यह भेदभाव सारे मिटाउंदा है, उस का सुनेहा असी लैके जा रहे हैं। पहला असी शहीद भगत सिंह के दिहाड़े से भी उत्थे जिहड़ियां खट्टियां पीलियां पग्गां लैके गए सीगे ते उह दस्त नाल चुन्नियां, तो उस तरह ही उहदी कड़ी दे विच इह असी हुण खालसे दा जिहड़ा सताज नाल तसाफ उत्थे मनाउण जा रहे हैं। बिल्कुल, खालसे का त्यौहार है तो वड्डे पद्धर उत्ते विसाखी का जिहड़ा त्यौहार है वह मनाया जाता है, खास करके पंजाबियों वालों विसाखी बड़ी अहम जिहड़ा त्यौहार हैगा जिंदगी दे विच वह वड्डे पद्धर उत्ते मनाया जाता है। तो इसे नूं लैके दिल्ली मोर्चे के उत्ते डटे जिहड़े किसान ने उन्होंने जाके शेरे पंजाब स्पोर्ट्स क्लब है वह विसाखी का जिहड़ा त्यौहार है वड्डे पद्धर उत्ते मनाएगा, तो उस दे लई जो प्रबंध किए गए हैं जो तैयारियां की गई ने वह भी तस्वीर थोनों असी साझिया की ने। तो कल जिहड़ा विसाखी मौके दिल्ली दे विच शेरे पंजाब स्पोर्ट्स क्लब जिथे कि मिठाइया के लंगर लगाएगा, छबील के लंगर लगाएगा, उत्थे ही दस्तारा ते चुनिया के लंगर भी लगाएगा। कैमरामैन सरजीत सिंह के नाल जगजीत जग्गी, PTC न्यूज़ रोपड़।